हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बी बगल। जुलाई में सीबीएसई जो पेंडिंग एग्जाम थे क्लास 10th और 12th के, वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला था, पर अब जितने भी एग्जाम जुलाई में होने वाले थे सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के, अब वो कैंसिल करा दिए गए हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी वो नॉर्मल नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए सीबीएसई ने ये एग्ज़ाम कैंसिल करा दिए हैं। और आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आएगा। रिजल्ट आपका जो है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाएगा और साथ ही प्री बोर्ड के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाएगा। क्लास 10th के एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसिल करा दिए गए हैं, पर जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं बाद में अपने मार्क्स में सुधार लाना, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उस टाइम जो वो एग्ज़ाम देंगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उनका फाइनल रिज़ल्ट माना जाएगा। पर तब तक के लिए जो प्री बोर्ड होगा और इंटरनल असेसमेंट होगा उसके बेसिस पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सीबीएसई ने रिजल्ट को लेकर भी क्लियर किया है कि 15 जुलाई तक बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाएंगे। वहीं आईसीएसई बोर्ड ने भी अपने सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं क्लास 10th और 12th के, और उनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो भी असेसमेंट के बेसिस पे आएंगे। तो सीबीएसई अब जल्द ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। 15 जुलाई तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं।